होंडा जल्द लॉन्च करेगा अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर, मिलेगी टीवीएस आईक्यूब, बजाज चेतक और ओला S1 को कड़ी टक्कर, जानिए पूरी डिटेल। जी हाँ दोस्तों, बता दें होंडा यहाँ पे एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने जा रहा है, जहाँ पे टीवीएस आईक्यूब, बजाज चेतक और ओला S1 को सीधा सीधा यहाँ पे टक्कर देने जा रहा है। आइए सब कुछ डिटेल में जानते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए। बात करते हैं तो न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च के लिए, आपको बताते हैं होंडा ने इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की पूरी डिटेल यहाँ पे जो बता दी है, बहुत जल्द यहाँ पे भारत में दस्तक देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बता दें होंडा का इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में आने वाला है। आपको हम गाड़ी भी दिखा देते हैं, तो ये रेड कलर के देख सकते हैं होंडा का यूगो ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जहां पे आपको बता दें 160 किलोमीटर से ज्यादा रेंज आपको देखने को मिलेगा। ये रेड कलर का आप देख सकते हैं, ये गाड़ी काफी अच्छा है, काफी स्मार्ट है और काफी स्टैंडर्ड मॉडल बनाया गया है। आइए इसके बारे में पूरी डिटेल में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो भारत में तेजी से बढ़ती इलेक्ट्रिक वाहन की लोकप्रियता को देखते हुए तमाम कंपनियां अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में लॉन्च करना शुरू कर दिए। इसमें से एक नया नाम जुड़ने वाला है, जहां पे बता दें दोस्तों होंडा जो है बहुत ही जल्द भारत में अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें यहाँ पे होंडा जिस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च कर रहा है, रिपोर्ट के मुताबिक उसका नाम होंडा यूगो होगा। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को दो वेरियंट में यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, जो की आपको बता दें चाइना और भारत दोनों में लॉन्च किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें चाइना और भारत में दोनों में लॉन्च होगा। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर को लंबी रेंज और डुअल बैटरी सेटअप के साथ, हल्के वजन और आकर्षक डिजाइन के साथ, ताकि ज्यादा युवाओं के बीच यह स्कूटर पहुंचाया जा सके। होंडा यूगो इलेक्ट्रिक स्कूटर बैटरी और पावर की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों 48 वोल्ट और 30 एएच क्षमता वाला रिमूवेबल लिथियम आयन बैटरी पैक दिया गया है, जिसके साथ ही BLDC तकनीक पर आधारित मोटर से जोड़ा गया है। वहीं बात करते हैं तो इसके अलावा कंपनी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को दो वेरिएंट में के साथ पेश करेगी, जिसमें से सिंगल बैटरी और डुअल बैटरी सेटअप का विकल्प होगा, ताकि स्कूटर की रेंज को बढ़ाया जा सके। जी हाँ दोस्तों, बता दें एक ही स्कूटर में दो बैटरी लगाने की ऑप्शन होगी। आगे बात करते हैं तो स्कूटर की रेंज के लेकर के रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार फुल चार्ज करने के बाद 80 किलोमीटर रेंज देगा, वहीं डुअल बैटरी वाला ये वेरियंट 160 किलोमीटर रेंज देगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें सिंगल बैटरी वाला 80 किलोमीटर रेंज देगा, जबकि डुअल बैटरी वाला 160 किलोमीटर की रेंज देगा। फीचर्स की बात किया जाए तो होंडा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल ट्रिप मीटर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल, डिजिटल फ्यूल गोज, उसके बाद एंटी थेफ्ट अलार्म जैसे बटन दिया गया। वहीं बात करें तो LED हेडलाइट मिल जाएगा, LED टेल लाइट मिल जाएगा, LED टर्न सिग्नल लैंप जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगा, फाइंड माई व्हीकल मिल जाएगा, लास्ट पार्किंग लोकेशन, नेविगेशन, हाईटेक फीचर्स दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे फीचर्स यहाँ पे दिया जा रहा है। आगे बात करते हैं तो होंडा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत की बात करें तो कंपनी अभी तक इस स्कूटर की कीमत को लेकर के कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन चीन में मौजूदा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत तो देखा जाए तो कंपनी 80,000 रुपये सिंगल बैटरी वेरिएंट में रखा है, जबकि डुअल बैटरी वाला 1,05,000 रुपये रखा है। ये शुरुआती कीमत यहाँ पे जो है मार्केट में इसी का कीमत होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो भारत में लॉन्च होने के बाद होंडा इलेक्ट्रिक स्कूटर सीधा मुकाबला TVS IQ, बजाज चेतक, ओला S1 जैसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर से होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, 80,000 सिंगल बैटरी और डबल बैटरी वाला 1,05,000 रुपये चाइना में रेट रखा गया है, लेकिन भारत में इसका क्या रेट होना चाहिए, आप लोग कमेंट में अपना अपना रेट यहाँ पे सजेशन दीजिए होंडा कंपनी को। चलिए आज की वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।